मुंबई में एक गुजराती मैगजीन के लॉन्च पर पहुंचे हुए थे बी टाउन के कई सितारे। इनमें मौजूद थे हिमेश रेशमिया, तिग्मांशु धूलिया, जयंती लाल गाड़ा, साथ ही साथ बी टाउन के बाकी सितारे। सबसे पहले स्टेज पर इन सितारों का स्वागत किया गया, उसके बाद मैगजीन का लॉन्च किया गया। फिर मीडिया से बातचीत करते हुए हिमेश रेशमिया ने अपने दिल की बात हमसे शेयर की। बस बहुत ही खुशी हो रही है कॉकटेल जिंदगी के मैगजीन लॉन्च पे, और अशु भाई के लिए हम यहाँ हैं, और बहुत ही टैलेंटेड राइटर हैं, बहुत ही टैलेंटेड ह्यूमन बीइंग हैं, तो उनके लिए हम सब जब वो बुलाते हैं हम हाजिर हैं। वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर एट द लॉन्च ऑफ कॉकटेल जिंदगी। साथ ही साथ तिग्मांशु धूलिया ने भी कुछ कहा जो हम आप तक पेश कर रहे हैं। ये कॉकटेल जिंदगी मैगजीन हाथ में रख के नशा जा रहा है यार। बहुत अच्छा नाम एक तो मैगजीन का, बहुत बढ़िया है, और क्योंकि लाइफस्टाइल मैगजीन है और गुजराती में है, पहली गुजराती की लाइफस्टाइल मैगजीन है, तो इसका जो टाइटल है, जो नाम है, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और बहुत ऐप्ट है इस तरह की मैगजीन के लिए। बहुत अच्छी क्वालिटी है, जिस तरह के इसमें आर्टिकल्स हैं लाइफस्टाइल के, म्यूज़िक पे, फिल्मों पे, पर्सनालिटीज़ पे, पॉलिटिक्स पे, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। आई थिंक दिस मैगजीन इज रियली गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर आशु भाई। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के स्टार ने भी अपने दिल की बात हम तक पहुंचाई। बस ये एक बहुत ही दमदार गुजराती मैगजीन लग रहा है फर्स्ट लुक में, जो उसका एक जो फील है, जो हाथ में पकड़ते ही, जो सबसे पहले तो फिज़िकल कॉपी की अगर बात करें तो बहुत ही उम्दा जो भी उसका पेपर है, वो आउटर ही इतना बहुत बढ़िया है, और अंदर तो वाकई में इंटरेस्टिंग होगा ही, क्योंकि आशु जी इन्वॉल्व है। आशु पटेल जी हम सब जानते हैं कि बहुत ही होनहार और बहुत ही उम्दा एक पत्रकार रह चुके हैं, और बहुत ही बढ़िया लेखक है, और उनको हम सब की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं कि ये इनका जो मैगज़ीन है कॉकटेल ज़िंदगी बहुत बहुत तरक्की करे, और पूरी दुनिया में, आज तो अभी ग्लोबल हो गया है सब कुछ, तो पूरी दुनिया में जहाँ भी गुजराती बसते हैं वहाँ ये उनका मैगज़ीन जाए और लाखों की तादाद में लोग इसे पढ़े। वेल, बी टाउन के सितारे अक्सर ऐसे लॉन्चेस पर पहुंचते हैं जहां की सारी अपडेट हम आप तक यूं ही पहुंचाते हैं एंड पहुंचाते रहेंगे।